नमस्कार दोस्तों, डिवोशनल लाइट हरे कृष्ण हरे राम में आप सभी प्रेमी भक्तजनों का स्वागत है। दोस्तों, शिव पुराण में सूत जी ऋषियों से बिल्व के वृक्ष का महात्म्य कहते हैं और बताते हैं कि इस बिल्व के वृक्ष की महिमा को कैसे कहा जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है, जिसकी स्तुति देवता भी करते हैं। तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं, वे संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य बिल्व के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है, वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है और वही इस भूतल पर पावन माना जाता है। इस बिल्व की जड़ के परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतया संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध पुष्प आदि से बिल्व के मूल भाग का पूजन करता है, वह शिवलोक को पाता है और इस लोक में भी उसकी सुख संतति बढ़ती है। जो बिल्व की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपावली जलाकर रखता है, वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर में मिल जाता है। जो बिल्व की शाखा थाम कर हाथ से उसके नए नए पल्लव उतारता है और उनसे भगवान शिव की तथा बिल्व के वृक्ष की पूजा करता है और भगवान के भक्तों में बिल्व पत्र का दान करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिल्व की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्ति पूर्वक भोजन कराता है, उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और घृत से युक्त अन्न देता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता। और जिसके घर में बिल्व का वृक्ष होता है, उसके घर में सदा स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। भगवान शिव को बिल्व पत्र चढ़ाने का जितना महत्व है, उतना ही महत्व बिल्व पत्र के वृक्ष का भी माना गया है। बिल्व पत्र के वृक्ष में लक्ष्मी का वास माना गया है। इसकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और बेल पत्र के वृक्ष और सफ़ेद आग को जोड़े से लगाने पर निरंतर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बेल पत्र के वृक्ष को घर में लगाने या उसके प्रतिदिन दर्शन करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। घर में बिल्व पत्र का वृक्ष होने पर परिवार के सभी सदस्य कई प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। रविवार और द्वादशी तिथि पर बिल्व पत्र के वृक्ष के पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन पूजन करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्त हो जाता है। इसके प्रभाव से यश और सम्मान मिलता है। बिल्व का वृक्ष निवास स्थान के उत्तर पश्चिम में हो तो यश बढ़ता है, उत्तर दक्षिण में हो तो सुख शांति बढ़ती है और यदि यह वृक्ष निवास स्थान के मध्य में हो तो जीवन में मधुरता आती है। यदि कोई शव बिल्व पत्र के पेड़ की छाया से होकर शमशान ले जाया जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा बिल्व पत्र के पेड़ को नियमित रूप से जल चढ़ाने पर पितरों को तृप्ति मिलती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। वातावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए बिल्व पत्र के वृक्ष का महत्व है। यह अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाए रखता है।
घर के आसपास बिल्व का पेड़ होने पर वहाँ सांप या विषैले जीव जंतु भी नहीं आते। ऐसा माना जाता है कि बिल्व पत्र का पेड़ लगाने से वंश में वृद्धि होती है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस वृक्ष के नीचे शिवलिंग पूजा से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि जिन स्थानों पर बिल्व पत्र का वृक्ष होता है वह काशी तीर्थ के समान पूजनीय और पवित्र है, जहाँ अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस वृक्ष को काटना पाप माना जाता है, जिससे वंश का नाश होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन।